सॉलिड 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 हारी ना हारी भाई, तेरा तो एंट्री करते करते फोन दिख गया था। यस सिटिंग एरिया। बापरे बापरे, कैसी फीलिंग आ रही है आपको यहाँ आने के बाद? अभी तो औकात नहीं हूँ। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस सुपर डुपर व्लॉग में, और हम आ पहुंचे हैं जियो वर्ल्ड प्लाजा, जो कि एकदम लग्जूरियस मॉल है और इसे ओपन किया गया है 1 नवंबर 2023 को, और ये लोकेटेड है बैनाकुला कॉम्प्लेक्स, इन शॉर्ट BKC में, और इसके ओनर है हमारे रिस्पेक्टेड मुकेश अंबानी जी। इस मॉल में आप जैसे एंट्री करेंगे, आपको एक एकदम से बड़ा सा फिश टैंक दिखेगा, वो भी एग्जॉटिक फिश के साथ, और ये 3 फ्लोर का ही मॉल है, और यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस के पिक्चर्स दिखने को मिल जाएंगे। और अब हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, और करीबन 60 से भी ज़्यादा यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड है। हाँ यार, मैंने तो सिर्फ वो मैक्स वैक्स और जारा वारा देखा था, ये तो कुछ कनाली पॉल शाग लुईस विटॉन गुची बर्बरी वेलेंटिनो डियोर बेलेंसियागा जैसे इंटरनेशनल ब्रांड आपको दिखेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा प्रीमियम लग्जरियस लेविश लाइफ जी लो। बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर हैं, उनके क्रिएशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे मनीष मल्होत्रा, राहुल मिश्रा, फाल्गुनी एंड शेन, अब्बू जानी, संदीप खोसला के। बात करूँ मेरी फेवरेट आलिया भट्ट, उनका भी क्रिएशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और उनके ब्रांड का नाम है एडामामा, जो कि एक किड्स वेयर है। yes. ये सोने की सीढ़ी है और अब हम जा रहे हैं सोने की सीढ़ी पे। इसी झूमर के नीचे शांति की लाश पड़ी थी। यार मतलब क्या ही बोले, मम्मी कहती कि अरे कहाँ हो, कितना चले में भी हुआ। हर जगह गोल्ड 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 गोल्ड। से कुछ खरीदने के लिए अपने को कितना कमाना चाहिए पर मंथ? मेरे जितना। फिर भी अप्रॉक्स एक पैसे बता दो अमाउंट। 5-7 लाख। और ये तो 2-3 सामान खरीद सकती है। अरे बाप रे, बाहर का नजारा दिखाते हैं आपको। मार्बल देखो, मार्बल सही है। चलो ये लिफ्ट कचरे का डब्बा भी बड़ा एक्सपेंसिव है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ 3 फ्लोर का मॉल है, तो आपको सेकेंड फ्लोर तक सारा ब्रांड्स, फूड कोर्ट, टी लाउंज, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और सबसे टॉप जो फ्लोर है वहाँ पे आपको थिएटर मिल जाएगा, एंटरटेनमेंट, मतलब वो PVR है, आप सोच लीजिए, मतलब अंबानी जी का जो मॉल का थिएटर, वो भी कितना एक्सपेंसिव और कितना लग्जूरियस होगा। और ईशा अंबानी ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि हम इंडिया को इतना ज़्यादा ग्लोबल बनाना चाह रहे हैं कि लोग बाहर जाके ना शॉपिंग करें, वो अपने जो भी चीज़ें चाहिए वो उनको इंडिया में ही मिले। बात कर दूँ टिफनी एंड को, वर्साचे, पोट्री बर्न, ये जो स्टोर्स है, इन्होंने फर्स्ट स्टोर ओपन किया है इस मॉल में इंडिया में।
वाह यार कितना सुंदर है ये सब। ये है कौन सा ब्रांड? जैपनीज भाई, जैपनीज ब्रांड भी आपको इंडिया में दिख जाएगा, देख लो हमारे ब्लॉग के थ्रू ऐसे कपड़े पहनते हैं। पूरा टेबल है 6,000 का, नहीं नहीं टॉप शेल्फ मस्त है ना। दिया ना 26,000 बताओ भाई ये कितने का है? 26,000 का बैग है। अगर खुशबू भी रिकॉर्ड कर सकते थे ना तो मैं आपको रिकॉर्ड करके बता दी कितना अच्छी खुशबू आ रही है। सारे एसेंशियल्स ऑयल है। ये जो कालीन बिछी है कितने? 1,00,000 7,00,000 रुपए का काउच। मस्त लग रहा है। चलो ये झूमर और ये ईशा अंबानी का पियानो है। इसे झूमर के नीचे बोल 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 इसे झूमर के नीचे शांति की लाश दोगे। कॉपीराइट ना मारे, हमारे एक यूट्यूबर भाई से हमने उठाया ये पैसे जमा करते हुए। भाइयों को क्या क्या करना पड़ता है भाई। तेरे लिए गुलाब के फूल दिए अम्बानी जी। बहुत दिनों के बाद हमने ऐसे बड़ा ब्लॉग बनाया है, बहुत अच्छा मजा आया है। बड़ा मजा आया है और वो भी आईफोन 15 प्रो से बनाया है। तभी भी मैं रोते रहती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। भाई पीछे से बहुत ज्यादा बोले जा रहा है। भाई ये जो आप देख रहे हैं ना ये चांदी के स्पून है। राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही है। असली चांदी है, वेदिक। हाँ यार स्ट्रॉबेरी, ये वाइट चॉकलेट, बीच में चीज केक है। कमाल है। इतना सोचना पड़ रहा है कैसा है भैया। आपको बता दूं यहाँ पे जितने भी शॉप्स हैं ना इनके जो रेंट है ये 40,00,000 पर मंथ है। पता है मतलब सोच के भी बहुत ही हो रहा है। कितने एकड़ में फैला है ये पूरा? एकड़ नहीं, स्क्वायर फीट। 7,50,000 स्क्वायर फीट। 7,50,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से पूरा फैला हुआ है। बात करूँ इंटीरियर और डिज़ाइन की ना तो आपने बहुत सारे मॉल देखे होंगे लेकिन लेकिन ये जो मॉल है ना इसकी बहुत खास बात है। आप इसको देखेंगे ना तो ये एक लोटस के शेप के जैसा दिखेगा आपको और इसका जो डिज़ाइन है और इंटीरियर है मतलब ओ माय गॉड, मतलब ऐसे चमक रहे थे पूरा मार्बल्स में आपको क्या बताऊँ।
हम लोग ने बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लोर किया. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब. ऐसे बड़े बड़े ब्लॉग्स आते रहेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. बाय.